गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज़ स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक एक क्षेत्र को उठा रहे हैं और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी ऐतिहासिक और पौराणिक विशेषताओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी बातों का उल्लेख हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आज का जो हमारा पॉइंट है, हम लोग उत्तरकाशी का डिस्कशन करेंगे। तो उत्तरकाशी से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने इस स्लाइड में या आज के वीडियोज में डाली है, उम्मीद है कि यहाँ से आने वाले समय में कुछ प्रश्न बनेंगे। आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप लोगों की एक बात में श्योर करना चाहता हूँ कि ये सभी पॉइंट हमने उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटुच की पुस्तक से लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के बिंदु को स्टार्ट करते हैं। उत्तरकाशी यानी कि बड़ा हाट। दोस्तों, उत्तरकाशी का प्राचीन एवं ऐतिहासिक नाम बड़ा हाट है। यह पहले रावी परगने में था, बाद में इसे टकनोर परगने में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, 1960 में उत्तरकाशी जनपद का सृजन हुआ था। स्कंद पुराण के केदारखंड में इसे सौम्य काशी और उत्तरकाशी कहा गया है। दोस्तों, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है या उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पौराणिक नाम क्या होता है और ऐतिहासिक नाम क्या होता है। दोस्तों, आज इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा। पौराणिक नाम का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया है, जबकि ऐतिहासिक और प्राचीन नाम का मतलब जिसका उल्लेख पुराणों में नहीं है लेकिन प्राचीन समय में कभी वह स्थान वो उस प्राचीन नाम से जाना जाता था। जैसे उत्तरकाशी के बारे में काफ़ी लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि स्कंद पुराण, आप लोग जानते हैं कि स्कंद पुराण के दो खंडे केदारखंड और मानसखंड। केदारखंड में उत्तरकाशी को सौम्य काशी तथा उत्तरकाशी दोनों कहा गया है। स्कंद पुराण में उत्तरकाशी को परशुराम की तपस्थली बताया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, उत्तरकाशी यह वर्णावत पर्वत के पाद में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इसे बाड़ा की शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। एटकिंसन ने इस शक्ति मंदिर को बाड़ाहाट ग्राम के समीप सुक्का मंदिर बताया है। दोस्तों, एटकिंसन ने बाड़ाहाट जो विश्वनाथ का जो मंदिर है उसके समीप जो शक्ति मंदिर है उसकी चर्चा अपने गजेटर्स में की है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। उसमें एटकिंसन ने ये बताया है कि जो बाड़ाहाट के निकट शक्ति मंदिर है उसे सुख का मंदिर बताया गया है। एच सी रिचर्ड एक अंग्रेज लेखक है। एच सी रिचर्ड ने उत्तरकाशी के त्रिशूल लेख का उल्लेख किया है। उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर त्रिशूल पर संख्य लिपि में लेख लिखा गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार संभवतः हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक में प्रश्न पूछा गया था। तो ये दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा कि उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर का जो त्रिशूल है उस पर जो लिपि लिखी गई है वो संख्य लिपि में लिखा गया है। इसमें केवल संख्य लिपि नहीं, इसमें ब्रह्मी लिपि का भी उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सुदर्शन साह तथा रानी खनीति के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। महाराजा भवानी साह ने उजेली में दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी। अन्वेषकों के अनुसार 1857 की क्रांति के समय स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब पेशवा ने यहाँ केदार घाट के निकट अज्ञात वास किया था। कहीं ना कहीं दोस्तों, यूपीएससी की एक आदत है ये फैक्ट पूछता है और संभवतः यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बाड़ाहाट का माघ मेला प्रसिद्ध है। इसे पवार नरेशों ने प्रारंभ किया था। प्रारंभ में माघ मेला मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक चलता था। मेले का प्रारंभ कंडार देवता की डोली के आगमन से होता है। लाखामंडल गुप्तकाल में यमुना घाटी में चंगलिस का एक राजवंश था, जिसे चंगलिस राजवंश कहा जाता था। लाखामंडल में चंगलिस राजवंश के शिलालेखों से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस राजवंश में 7 नरेशों का शासन था जो कुलिंदों के अधीन था। दोस्तों, अब ये 2 से 4 मिनट की हमारी जितनी महत्वपूर्ण क्लासें रही, यहाँ से क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्य काशी और उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर स्थित है? वर्णावत। एटकिंसन ने किस सुक्का मंदिर के नाम से संबोधित किया था? उत्तरकाशी का शक्ति मंदिर को। उत्तरकाशी के शक्ति मंदिर में स्थित त्रिशूल पर किस लिपि में लिख उत्कीर्ण किया गया है? संख लिपि। चंगलेस का प्रशस्ति प्राप्त हुआ है लाखामंडल से। दोस्तों, ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था।
तो लाखामंडल के ऊपर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, उससे जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का भी लेख प्राप्त है और शंगलेश राजवंश का भी यहाँ पे लेख प्राप्त है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है कि गुप्त काल के अंतिम समय में यहाँ पे यादवों ने अपना शासन स्थापित किया था। तो इसकी जो सभी जानकारी उस वीडियो में दूंगा। थैंक यू दोस्तों।